यार ये जो Realme स्मार्टफोन ब्रांड है इंडिया में बहुत ही तगड़ा चल रहा है। उनका स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा चल रहा है, हम बोल सकते हैं। हम बात कर लेते हैं Realme 2 Pro की ही, तो वो स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा चला था, बहुत ही अच्छा है अभी तक भी। क्यों अच्छा है ये डिवाइस, क्लियर कट बोलूं तो प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन का रेशियो बहुत ही अच्छा है इंडियन बजट सेगमेंट में, और इसी वजह से ये डिवाइस बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि कम प्राइस पॉइंट में हमें बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिला है, तो बहुत ही अच्छा है इसी वजह से। और बहुत सारे लोगों को पसंद आया है ये स्मार्टफोन और बहुत सारे लोग ले लिया है ये स्मार्टफोन, तो हम बोल सकते हैं Realme इंडिया में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और बात कर लेते हैं अगर इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2018 की, तो उस इवेंट में MediaTek Helio P70 शोकेस हुआ था, मतलब लॉन्च हुआ था, मतलब दिखाया गया था इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2018 में। और Realme की CEO ने बोला था, मतलब कंपनी वालों ने बोला था कि Realme का एक और नया स्मार्टफोन आने वाला है जिसमें हमें देखने को मिलेगा MediaTek Helio P70 वाला प्रोसेसर। बात कर ले MediaTek Helio P70 की, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, हम बोल सकते हैं P60 भी बहुत ही अच्छा था, और दोनों की दोनों प्रोसेसर ही 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा हम बोल सकते हैं MediaTek Helio P70 को। तो कंपनी तो पहले ही कंफर्म कर दिया था कि Realme का एक नया स्मार्टफोन आने वाला है जिसमें हमें देखने को मिलेगा MediaTek Helio P70, लेकिन उस डिवाइस का नाम क्या होगा वो पहले डिसाइड नहीं हुआ था। हम सोचे थे कि Realme 3 भी हो सकता है या फिर Realme 3 Pro भी हो सकता है, लेकिन यार अभी ये कंफर्म कर दिया है कंपनी खुद ही कि Realme का नया U सीरीज का स्मार्टफोन आने वाला है जिसमें हमें देखने को मिलेगा MediaTek Helio P70 वाला प्रोसेसर। तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें हमें क्लियर कट पता लगता है कि MediaTek मतलब Realme का नया स्मार्टफोन सीरीज आने वाला है जिसमें हमें देखने को मिलेगा, मतलब Realme का U सीरीज स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, और उसमें ही हमें देखने को मिलेगा MediaTek Helio P70 वाला प्रोसेसर। तो क्लियर कट बोलो तो इस डिवाइस का नाम हो सकता है Realme U1। अभी इस सीरीज का सबसे पहला स्मार्टफोन है तो Realme U2 या फिर U5 तो नहीं हो सकता है, U1 ही हो सकता है अगर होगा तो हम बोल सकते हैं कि इस डिवाइस का नाम हो सकता है Realme का U1। और यार अभी इस डिवाइस का मतलब Realme U1 की बहुत कुछ मतलब थोड़ा कुछ लीक होके आया है, तो वही बोलूंगा। सबसे फर्स्ट जो लीक है वो है इस डिवाइस में तो हमें श्योरली MediaTek Helio P70 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा ही, तो ये तो क्लियर कट है। सेकंड जो लीक आया है कि इस डिवाइस में हमें बहुत ही अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, मतलब ये डिवाइस सेल्फी सेंट्रिक होगा, ये अभी कुछ लीक ऐसा बोल रहा है कि सेल्फी सेंट्रिक होगा ये डिवाइस। तो उस बजट में मतलब बजट में जो सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन आता है उनको टक्कर देने के लिए शायद ये Realme का U सीरीज स्मार्टफोन आने वाला है जिसमें हमें MediaTek Helio P70 देखने को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं 25 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट कैमरा शायद हमें इस डिवाइस में देखने को मिल सकता है। थर्ड चीज बताना चाहूंगा कि Realme का एक नया UI आने वाला है, तो फेसबुक पोस्ट में बहुत सारी पोस्ट में हमें देखने को मिला था कि क्यूरियस UI, ऐसा कोई UI हो सकता है Realme की तरफ से, तो शायद इस डिवाइस में भी हमें देखने को मिल जाएगा क्यूरियस UI, मतलब कलर वाइज नहीं देखने को मिलेगा इस डिवाइस में, मतलब बोल सकते हैं Realme U1 में शायद इस डिवाइस में हमें देखने को मिल सकता है क्यूरियस UI। और यार प्राइसिंग की बात करें तो ये प्राइसिंग निकल के आया है कि ये डिवाइस हमें मिलेगा 10,000 से लेकर 15,000 के बीच की कोई प्राइसिंग सेगमेंट में, तो हम बोल सकते हैं बजट में बहुत सारे डिवाइस Realme लॉन्च कर दिया है, जैसे कि Realme 2 Pro है वो 14,000 का है, तो ये भी अगर इस बजट में ही होगा तो बहुत लोगों को परेशानी होगा कि कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए, इस बारे में बहुत ही कंफ्यूजन होगा। लेकिन देखते हैं स्मार्टफोन जब लॉन्च होगा तो मैं ही कंपैरिजन बना दूंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेने में ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले स्मार्टफोन तो आने दो, लेकिन प्राइसिंग हो सकता है इस डिवाइस का 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में, इस बीच में ही होगा। और लॉन्चिंग की बात करें तो अभी बहुत सारे लीक आ रहा है, तो ये लगता है कि नवंबर में ही ये डिवाइस लॉन्च हो जाएगा, मतलब नवंबर में ही ये डिवाइस लॉन्च हो सकता है, और यही है बात। और इन चीज को छोड़कर इस डिवाइस का अभी कुछ ही लीक नहीं हुआ है, लेकिन इस डिवाइस के डिजाइन की बात करें तो मुझे लगता है कि वाटर ड्रॉप लाइक नॉच ही देखने को मिलेगा, जैसे कि देखने को मिला है Realme 2 Pro में, वैसे शायद देखने को मिलेगा। और इस डिवाइस का प्राइसिंग देख लो आप, 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में होगा, तो शायद इस डिवाइस में हमें फिर से पॉलीकार्बोनेट यूनिवर्सल देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें तो मुझे लगता है कि 25 मेगापिक्सल का ही कैमरा सेंसर हमें इस डिवाइस में देखने को मिलेगा, जैसा कि ओप्पो K1 था चाइना में, शायद वही सेंसर हमें देखने को मिल सकता है इस डिवाइस में। और रियर पैनल की बात करें तो डुअल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलेगा ही, लेकिन कैमरा का प्लेसमेंट कैसा होगा उसमें अभी कोई भी लीक नहीं आया है। लेकिन मेगापिक्सल काउंट की बात करें तो हो सकता है 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा ही देखने को मिलेगा रियर पैनल में, शायद ये हो सकता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 3000 से लेकर 3500 mAh के बीच में कोई बैटरी कैपेसिटी हमें शायद इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा, मतलब ऐसे ही होगा। तो यार अभी कुछ ज्यादा कुछ लीक नहीं हुआ है, यही बस Realme का एक नया सीरीज आने वाला है, मतलब सेल्फी सेंट्रिक सीरीज आने वाला है, हम बोल सकते हैं इसे Realme U1। तो इस डिवाइस में हमें MediaTek Helio P70 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये एक सेल्फी सेंट्रिक सीरीज होगा,
मतलब अभी बोला जा रहा है ये सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा, ये होने वाला है ये रियलमी यू वन। और प्राइसिंग की बात करें तो 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में ही ये डिवाइस का प्राइसिंग होगा और नवंबर में ही शायद ये डिवाइस लॉन्च हो जाएगा। और आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो रियलमी यू वन में, आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो यार फिलहाल के लिए इतना ही, यही है वीडियो, यही है रियलमी यू वन, ऐसा ही हो सकता है ये डिवाइस और नवंबर में ही शायद ये डिवाइस लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है साइकत और मिलता हूँ आपसे एक नया एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।